हेलो फ्रेंड, मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है एक डिजिटल मल्टीमीटर। ये हमारा एक येलो वाला एक डिजिटल मल्टीमीटर है। मैं आपको इस वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा हवाई कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है DT830D। यहाँ पर लिखा है डिजिटल मल्टीमीटर। मैं आपको इस वीडियो में इस मल्टीमीटर में यूज होने वाले हर सेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर के प्रोब के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा एक मल्टीमीटर प्रोब है जो रेड वायर है वो पॉजिटिव के लिए होता है और ब्लैक वायर है वो नेगेटिव के लिए होता है, जिसको हम ग्राउंड कॉमन बोल सकते हैं। और यह मल्टीमीटर मैक्सिमम 1000 वोल्ट के आसपास वैल्यू नाप सकते हैं। और आप इस मल्टीमीटर के बारे में समझेंगे, इसमें इस मल्टीमीटर में टोटल 8 सेक्शन दिए गए हैं वैल्यू को नापने के लिए। तो सबसे पहले मैं कनेक्टर के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा कनेक्टर दिया गया है। सबसे पहले नीचे वाला कॉमन का है जो कि ये ग्राउंड का है। इसमें हम ब्लैक प्रोब को अटैच करते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट ऊपर से सेकंड है, तो इसमें बोल्ट, रेजिस्टेंस, करंट, बजर मोड में रेड प्रोब को अटैच करते हैं। और सबसे ऊपर वाला है फर्स्ट नंबर, उसमें हम एम्पियर नापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम मैक्सिमम 10 एम्पियर तक के करंट को नाप सकते हैं। और यहाँ पर जो साइड में दिया गया है वह ट्रांजिस्टर वैल्यू देखने के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दो प्रकार का ट्रांजिस्टर है, NPN PNP इमीटर बेस कलेक्टर इमीटर। इसके हिसाब से आप लिखा है इमीटर बेस कलेक्टर इमीटर। यह हमारा ट्रांजिस्टर के वैल्यू को नापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं डीसी वोल्टेज के बारे में बताऊंगा। इस सेक्शन पर डीसी वोल्टेज का है, जैसे कि मैक्सिमम वोल्ट 1000 है, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, यहाँ तक के डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं। उसके बाद ये हमारा ऑफ है। उसके बाद एसी वोल्टेज, जो कि हमारे घरों में 230 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आता है, तो एसी सप्लाई के लिए मैक्सिमम 750 वोल्ट और 200 वोल्ट तक के नाप सकते हैं। मल्टीमीटर ओके है, नया है, और मैं जनरली इसी मल्टीमीटर को यूज करता हूँ। और उसके बाद नीचे में डीसी एम्पियर नापने के लिए सेक्शन है, 2000 माइक्रो एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और मैक्सिमम 10 एम्पियर। इसका अलग से सेक्शन दे दिया गया 10 एम्पियर का। उसके बाद HFE है। उसके बाद ये हमारा, उसके बाद डायोड रेंज है, कंटिन्यूटी बजर रेंज बोलते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये हमारा बजर रेंज है और डायोड रेंज है। और उसके बाद रेजिस्टेंस मोड है,
नीचे साइड रेजिस्टेंस मोड है, आप देख सकते हैं। इसमें 200 ओम तक, 2000 ओम तक, 20 किलो ओम तक, 200 किलो ओम तक और 2000 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। इस मल्टीमीटर में बस इतने ही वैल्यू नाप सकते हैं और वैल्यू देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी चले। धन्यवाद।